दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे रोमांचक सांस रोक देने वाला दूसरा T20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस रोमांचक मुकाबले के हिला देने वाले हाईलाइट का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक का है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को दूसरे T20 में जब आखिरी 3 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर थे खुद कप्तान सूर्य के साथ ऋषभ पंत, आग उगलने को तैयार थे मुस्तफिजुर रहमान, फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिरकार कौन बना इस मैच में अंतिम गेंद पर चैंपियन? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक दूसरे T20 की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, सूर्य और पंत में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो अपने पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला जहाँ पहले के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहाँ जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहाँ दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को मोहम्मद सिराज ने दिया, जहां पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 16 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्य ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे, और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 32 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे महमदुल्ला, वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 160 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 40 गेंदों में भारत के खिलाफ 68 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह फंस चुका था। तभी मोहम्मद सिराज ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्ला ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्ला ने जहाँ 55 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही, और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे, तो वहीं एक एक विकेट रियान पराग और अर्शदीप सिंह ने हासिल किया। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज अभिषेक शर्मा काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और शुभमन गिल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ गिल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से बात कर रहे थे। इस बीच कप्तान सूर्या ने अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी
पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ ऋषभ पंत ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी, यहां तक कि ऋषभ भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर ऋषभ पंत थे, बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली जो कि पंत से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। पंत अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों पंत शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वो इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर ऋषभ पंत ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। पांचवी गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले को और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को भी मैच जिताया। बाकी इस मुकाबले में ऋषभ पंत के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये दूसरे T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पहले टेस्ट के चौथे दिन ही भारत के आगे नतमस्तक हुआ बांग्लादेश, गुस्से से बौखलाए। कप्तान रोहित ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया अपने सुनहरे अक्षरों में नाम। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो बांग्लादेशी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक पहले टेस्ट के चौथे दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 550 से अधिक रन। इतने बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए कैसे रविंद्र जडेजा ने मात्र 2 ओवर में ही 6 विकेट लेकर टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत। सांसें रोक देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार बैटिंग और गेंदबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको बताया इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक पहले प्रैक्टिस टेस्ट के 3 दिनों का जबरदस्त घमासान एक एक्साइटिंग मोड पर आ खड़ा हुआ है, जहां वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर इस रोमांचक टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला सही साबित हुआ, जहां पहली पारी में विराट कोहली के तूफानी शतक और ऋषभ पंत की धाकड़ बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 350 रन ठोक डाले। इसके जवाब में अश्विन और जडेजा ने पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 310 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसके बाद टीम इंडिया को 3 दिनों का खेल खत्म होने के बाद 40 रनों की लीड मिली थी। अब चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी इस 40 रनों के लीड को कम से कम 500 रनों के पार ले जाने की, क्योंकि इससे छोटा स्कोर बनाकर टीम इंडिया मैच को बीच में छोड़ देती, लेकिन 500 रन आसानी से भारतीय गेंदबाज डिफेंड कर सकते थे। ऐसे में इसी जिम्मेदारी को उठा एक बार फिर सफेद जर्सी में इनफॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था। दोस्तों इन्होंने एक बार फिर गेंदबाजों की शामत लाने का मन बनाया। रोहित ने सौरिफुल इस्लाम की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्ला टाइगर्स को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया।
इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेशी टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी।